आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए हम लाए हैं थिया एंड सिड, अ कंप्लीट प्रपोजल सॉल्यूशन। हाय, मैं हूं अदिति, मेरी उम्र है 36 साल और मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ थिया एंड सिड। हाय, मैं हूं अश्विनी, मैं हूं 40 साल की एंड मैं हूं फाउंडर एंड सीएफओ ऑफ थिया एंड सिड। ऑनलाइन जब आप रिंग ढूंढते हो, या तो वो ट्रेडिशनल होती है या फिर बजट के बाहर होती है, पर प्रपोजल के लिए रिंग तो चाहिए, वो भी स्टाइलिश, मॉडर्न, लाइफ टाइम टिकने वाली रिंग। तभी हमें एक बेहतरीन आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसी साइट बनाई जाए जहाँ से यंग बडिंग इंडियन कपल अपने प्यार की शुरुआत कर सके। तो शार्क्स, अगर आप हमारे इस आइडिया में सिर्फ 80 लाख फॉर 7% ऑफ आर इक्विटी निवेश करें, तो हम थिया एंड सिड को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ हम बनाते हैं 9-5 स्टर्लिंग सिल्वर और 6 ग्रेड क्यूबिक जिरकोनिया की एक्सीलेंट क्वालिटी की रिंग्स। देते हैं आपको रिंग साइजर, आपको देते हैं आफ्टर सेल सर्विस, आपको रेलेवेंट इंडियन डेटिंग और प्रपोजल एडवाइस, और सुनाते हैं आपको इंस्पिरेशनल ट्रू लाइफ लव स्टोरी। बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। क्या आप एक ज्वेलर फैमिली से बिलोंग करते हैं? हम एक डायमंड फैमिली से बिलोंग करते हैं। फादर वाज अ डायमंड मैन्युफैक्चरर एंड माय हस्बैंड इज अ डायमंड ट्रेडर। आपके में ऐसा आइडिया कब से आया कि हम भी इस बिजनेस को ज्वाइन करें और कुछ एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके इसको चलें और इसको आगे बढ़ाएं? जब मैं यूएसए से एक्चुअली आई थी, मेरा कोर्स ख़त्म करके हम पे बहुत सारा डेट था और मेरा हाउस भी मॉर्गेज था। घर हमने मॉर्गेज लिया था मेरे एजुकेशन लोन के लिए, बट फिर वहाँ पे रिसेशन आ गया। मैंने चूज़ किया कि मैं वापस आ जाऊँ। क्या पढ़ने गई थी आप? स्क्रीन प्ले राइटिंग। अच्छा, अभी समझ में आया वो डांस और सीक्वेंस आप ही ने लिखा था। वेरी गुड, प्लीज कंटिन्यू। इसके हस्बैंड का बिजनेस भी बहुत खराब चल रहा था, तो घर की फाइनेंशियल हालत तो मतलब गॉन। मैंने इसको बताया कि हॉलीवुड में इन लोगों को बड़े बड़े नेकलेसेस चाहिए होते हैं जो रॉयल दिखते हैं, स्टर्लिंग सिल्वर के चाहिए होते हैं, तो हमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करनी चाहिए और हम ऑनलाइन बेचते हैं। तो हमने एडेस्ट्रा ज्वेलरी नाम की ब्रांड चालू की थी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करते हैं हम हैवी नेकलेसेस, बड़े इयररिंग्स, टियारा वगैरह का। और फिर हम उधर इतना अच्छा करने लग गया कि हमको लगा इंडियन लोगों को भी अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहिए। तो जब हमने मार्केट टेस्टिंग की और रिजल्ट चेक किया, तो हमको पता चला कि यहाँ पे स्टर्लिंग सिल्वर और सीजर सिर्फ यंगर जनरेशन पसंद करती है, और इधर प्रपोजल का मार्केट अब ट्रेंड पिकअप कर रहा है, और देर इज़ अ गैप इन द मार्केट जहाँ पे प्रपोजल रिंग्स मिलते तो हैं, बट या तो वो फ्लेक्सिबल वाले मिलते हैं जो टूट जाते हैं, या तो फिर गोल्ड एंड डायमंड के मिलते हैं जो बहुत महंगे मिलते हैं। तो फिर हमको लगा कि एक ऐसी ब्रांड शुरू करनी चाहिए जो ज्वेलरी बाइंग एक्सपीरियंस को यंगर बना सके, मोर वाइब्रेंट बना सके। आपको ये ब्रांड स्टार्ट करे हुए कितना टाइम हो गया? थिया एंड सिड चालू किए हुए 5 महीने हुए हैं, एडेस्ट्रा चालू करके 5 साल हो गए। मुझे आपकी पैकेजिंग इतनी खास नहीं लगी, क्योंकि बड़ा थोड़ा सिंपल बॉक्स है, पर आपका अंदर जो आपने मार्केटिंग एलिमेंट्स डाले हैं, जो कोलैटरल डाला है, इट्स अमेजिंग। मतलब इट इज एज इफ यू स्टडीड मार्केटिंग आल्सो। मतलब इट फील्स नाइस, यू नो, द कलर कॉम्बिनेशंस एंड द एंड व्हाट यू हैव रिटन, द क्वर्की थिंग्स आर आल्सो वेरी नाइस। सो गुड जॉब ऑन दैट। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड मोर ऑन यू गाइस, दैट दूसरा बिजनेस कर रहे हो या वो बंद कर दिया है? नहीं, आइडेस्ट्रा चालू है, हम चलाते थे, बट अभी उसको हमने ऑटोमेटेड मोड रख के हमारी मदर को उधर बिठा दिया है। वो कर रहे हैं वो बिजनेस। हाँ, मदर को बिठा दिया है। आपके हस्बैंड्स नहीं देखते हो काम? माय आई एम नॉट मैरिड। तो आप shaadi.com पे नहीं गए? यहाँ से सीधा नहीं जा रही, अभी वही बाकी है। तो आप जो आइडेस्ट्रा का बिजनेस करते हैं, जो एक्सपोर्ट का है, वो कितने का बिजनेस है और उसमें क्या मार्जिन है आज की डेट में? ₹1,500 से लेके ₹6,500 का, और उसकी कॉस्ट प्राइस मुझे बैठती है 350 से लेके 850 तक की। तो आपका ग्रॉस मार्जिन कितना हुआ? 3 times to 6 times। चलो 75-80% ग्रॉस मार्जिन हो। 85 ग्रॉस मार्जिन तो बहुत अच्छा है, नेट मार्जिन क्या? अंदाजन 30% के आसपास।
आपका रेवेन्यू कितना है पर मंथ? अभी 1,30,000 के आसपास का। 1,30,000 का आपका मंथली रेवेन्यू है किया सेट से। किया सेट कौन खरीद रहा है ये? 10 साल के, 20 साल के, 25 साल के? प्रपोजल, प्रपोजल रिंग है अभी 10 साल में प्रपोजल। अरे भाई आजकल सब कुछ फास्ट हो रहा है। अरे भाई आप लोगों में से किसने किया है प्रपोजल रिंग लेके? मैंने किया है। हाँ बिल्कुल किया है। हाँ? मुझे भी करना पड़ा। बेंडेड नी। हाँ पूरा बेंडेड नी। आजकल बच्चे करते हैं। पूरा लेट के ऐसे करना पड़ा। लेकिन अगर ऐसी रिंग अगर दे दिया होता मैंने तो ना हो जाती। क्यों मतलब यार? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ इसको लेके। थोड़ा सा मैं ज्वेलरी सेगमेंट में मेरा इंटरेस्ट है। मैं ज्वेलर के यहाँ पे काम भी कर चुका हूँ जी। किसी की भी एक्सपेक्टेशन जब कोई उसको प्रपोज कर रहा है, उसकी एंगेजमेंट हो रही है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उस टाइम तो एटलीस्ट मेरे को एक एक्सपेंसिव रिंग मिले। आप उस एक्सपेक्टेशन में एक प्रोडक्ट ला रहे हैं जिसको आप प्राइसिंग बोल रहे हैं 6,000 से 10,000 रुपए, तो वो जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की और आपका जो प्रोडक्ट है उसका तो कोई लेना देना ही नहीं हुआ। I think एक बार समझ, आपके हिसाब से आपका टारगेट कंज्यूमर कौन है? कौन खरीद रहा है आपसे? बिकॉज ऐसा तो नहीं है आप सेल नहीं कर रहे हैं अच्छी। 18 साल से 24 साल के लड़के जिनके पास अभी तक जॉब नहीं है बट वो उनको 18 से 24 साल में प्रपोज कर देते हैं। प्रपोजल और एंगेजमेंट तो अलग ओकेजन हो गए। एंगेजमेंट पे वो लोग एकदम एक्सपेंसिव रिंग एक्सपेक्ट करते हैं, गोल्ड डायमंड की वैसी। ये गर्लफ्रेंड को दे देते हैं बस। डेस्टिनेशन के वहाँ पे होते हैं। ये आपका 80% सेल्स का वैलेंटाइन्स डे पे आता है। ऑब्वियसली आप बेसिकली अब कर रहे हैं कि आपको 10 लड़कियों को अलग अलग रिंग देनी है। आप 10,000 की रिंग ले लीजिए, 1,00,000 रुपए की, 10 को प्रपोज कर दीजिए, जो मान जाएगी उसको एक प्रॉपर रिंग दे दीजिएगा। हाँ, तो परफेक्ट है आपका टारगेट मार्केट, इसका मतलब 10 टाइम्स हो गया। मैं एक बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि मिलेनियल्स जो है, अभी जो नया जनरेशन है, दे आर लुकिंग फॉर एवरीडे ज्वेलरी सिल्वर में, और आपकी जो फिनिश है, आपका जो प्रोडक्ट है बड़ा अच्छा है जी। तो आप एक ज्वेलरी ब्रांड क्यों नहीं सोचते? अगर आप ज्वेलरी ब्रांड बनाती हैं तो अपने आप एंगेजमेंट रिंग्स बिकेंगी उसमें और साथ में आपका ब्रांड भी बनेगा। तो मुझे नहीं लगता अभी आप तैयार हैं, इसीलिए मैं हूं आउट। You said there is no other products. We have everything. So we have chain necklaces, we have earrings. Wow, that is good. We have entire range of jewelry. You are short selling yourself. Okay. प्रोडक्ट कहाँ है? मतलब कहीं आपके पास देख सकते हैं कहीं पे कुछ? हाँ sure. अनुपम आप तो पैसा नहीं डाल रहे हैं, फिर आप क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने पिच अलग किया, स्टोरी बदल दी। एक बार इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फिर से मैं थोड़ा बिजनेस पे वापस आ जाता हूँ। ज्वेलरी को लेके इंडिया में बहुत एक्साइटमेंट होती है। आपने इनको कुछ ज्यादा ही प्रोडक्ट दिखा दिए, वो ज्यादा ग्रॉस हो गए। पीयूष आप इन है आउट है? मैं अभी सोच रहा हूँ, पहले आपका डिसीजन डिजाइन पे फोकस्ड है। मैं अभी बिजनेस समझ रहा हूँ कि ड्रीम क्या है, बनेगा क्या आज से 10 साल बाद। पीयूष के लिए सॉल्व करते हैं थोड़ा। ज्वेलरी जो कैटेगरी है वो एक हाई वैल्यू कैटेगरी है जी। ये जो आप नया कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहे हैं जी, ये हाफ बेक्ड अटेम्प्ट है। आप एक ट्रायल कर रहे हैं कि अगर हमारे को नए बिजनेस के लिए पैसा मिल गया तो हम पुराने बिजनेस में थोड़ा कम टाइम दे देंगे, पर आप वो पुराना बिजनेस भी नहीं छोड़ पाएंगे जो मेरा अंकल है। इस कारण से एटलीस्ट मैं आउट हूँ। बट आप अपना पुराना बिजनेस जो आपने चालू किया है उस पर फोकस करिए, वो आपको अच्छी कमाई देके जाएगा। इनफैक्ट आपका जो पिच था वो शुरू हुआ लाइफटाइम प्रपोजल से, फिर हो गया एज यू चेंज योर गर्लफ्रेंड वैलेंटाइन प्रपोजल, फिर वो हो गया नॉट जस्ट रिंग्स बट अदर ज्वेलरी। तो वो वैल्यू प्रोपोजिशन समझ में नहीं आ रहा है। So because of this confusion, I'm out. Actually, ये target audience 18 to 24 को ना समझना थोड़ा सा they are different. ऑफर कर रहे हो आप? मैं बाहर चला गया था, फिर मैंने स्टोरी पूरी बदल गई। हाँ, अब आप इन आउट हो। देखो एक लाइफ इवेंट होता है, वो एक्सपेंसिव ज्वेलरी एक बार जिंदगी में शादी करते हो राइट, और दूसरा एवरीडे ज्वेलरी होती है। ये यार बीच में कहीं लटक रहा है, तो आई थिंक वो तैयारी नहीं है अभी तक। मैं भी इस टाइम सर्टेनली आउट हूँ। मेरे लिए पर्सनली ये कैटेगरी उतनी एक्साइटिंग नहीं है ज्वेलरी, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर नहीं पाऊंगा विद दैट मच पैशन, तो इसीलिए मैं इसमें आउट हूँ।
मुझे लगता है कि आपका बिजनेस मॉडल सॉलिड है, वो टारगेट ऑडियंस खरीदती है, डिफरेंट चीजों के लिए खरीदती है, प्रपोजल के लिए खरीदती है, प्रपोजल रिजेक्ट हो एक्सेप्ट हो लेकिन वो खरीदेगी, ये आपकी सेल सही होगी। बट मेरे को ये बताओ कि मतलब मैं करना भी चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं भी करना चाहता हूँ, आप मेरे को कन्विंस करो कि मैं मतलब लास्ट स्टेटमेंट बोलो कि मैं क्यों करूँ और क्यों नहीं करूँ। आई कैन प्रोमिस हम इसमें जी जान लगा देंगे, मतलब वी विल नॉट लेट यू डाउन फॉर श्योर। एंड आप देख सकते हो कि हमने बिना किसी इन्वेस्टर के खड़े किए हमारा घर भी हमने मॉर्गेज से बाहर निकलवा लिया है, हम पे कोई ऐसे लोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हमने सक्सेस खड़ा कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि हम वापस नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। और हमारे पास फुल फ्लेज्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। अदिति अश्विनी, सब कुछ अच्छा है आपका, मतलब देयर इज नो डाउट यू गाइस विल बी फैंटास्टिक, बट आई डोंट नो, आई एम जस्ट नॉट गेटिंग दैट केक, सो फॉर दैट रीजन आई एम आल्सो आउट। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम। आई होप यू ऑल हैव किया एंड सिड ड्रिंक समडे। वी विल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। प्रपोजल के लिए पीपल आर लुकिंग फॉर एक्सपेंसिव रिंग्स। हां, मेरे को पर ये लग रहा है कि दिस गर्ल्स विल मेक मनी, पैसा तो बनाएंगे, पैसा लूज नहीं होगा। लेकिन अमन, आई थिंक यू कांट गेट ओवर द फैक्ट दैट यू डिड नॉट इन्वेस्ट। नहीं, पर आपका गट इंस्टिंक्ट नहीं आया। गट इंस्टिंक्ट इसलिए नहीं आया कि मुझे लगा कि इनकी एक तो थोड़ी आस ज्यादा थी, थोड़ा सा मेरे को वहां पे कंफ्यूजन हो गई। अदरवाइज इट इज एन इन्वेस्टेबल बिजनेस। लेकिन सीख इनको काफी मिली यार, तो इतना भी बुरा मत फील कर यार, मेरे को दे दे पैसे।